इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान करंट अफेयर के 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेट 11 की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 10 तक सेट नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। इसके अलावा डेली आपको मॉर्निंग में 10:30 बजे राजस्थान जीके के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करवाने के बाद अब आरपीएससी 2023 में राजस्थान जीके के पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज करवाई जा रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पार्ट 11 में क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करूंगा मैं आपके 301 नंबर से। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है आर एन रवि, कुसुमलता भंडारी, मोहन श्रीवास्तव, आलोक शर्मा। तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति है वो कुसुमलता भंडारी को नियुक्त किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरपीएससी में किन 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? केसरी सिंह, अयूब खान, कैलाश चंद मीना, उपयोग सभी। तो हाल में इन तीनों की नियुक्ति की गई है तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, केसरी सिंह, अयूब खान और कैलाश चंद मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा के आयोजित 8 सत्रों में सबसे अधिक सवाल किस विधायक ने पूछे थे? गुलाबचंद कटारिया, कालीचरण सराफ, वसुंधरा राजे सिंधिया, हनुमान बेनीवाल। तो 15वीं राजस्थान विधानसभा के आयोजित 8 सत्रों में सबसे अधिक सवाल गुलाबचंद कटारिया ने पूछा है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, नरेंद्र मोदी। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के नए परिसर का जो लोकार्पण है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़कर कितने वर्ग किलोमीटर हो गया है? 760.25, 978.82, 1225.38, 1135.78। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो बढ़कर हो गया 1135.78 वर्ग किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा। तो राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी है ये आपके जयपुर में स्थापित की जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? सतर्क ऐप, सी विजिल ऐप, नोटा ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विजिल ऐप, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमरक जी महादेव क्षेत्र में नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है, ये किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा। तो हाल ही में अमरक जी महादेव क्षेत्र में नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है, ये आपके उदयपुर शहर में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर रोडवेज बस किराए में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? 20%, 60%, 90%, 70%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90% की छूट दी जाएगी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली आपको शाम को 4:45 बजे इसी तरह राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें महाकवि कन्यालाल सेठिया कविता अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अश्विनी कुमार, के सच्चिदानंद, अरविंद पनगड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो 8वें महाकवि कन्यालाल सेठिया कविता अवार्ड है ये के सच्चिदानंद को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालय में मतदान के किस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? 20 नवंबर, 25 नवंबर, 30 नवंबर, 3 दिसंबर। तो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है वो किया 25 नवंबर को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने किसके साथ MOU किया है? IIT जोधपुर, MNIT जयपुर, RTU कोटा, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में पुरातात्विक संरचनाओं के रखरखाव के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने MOU साइन किया है MNIT जयपुर के साथ। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
19वें एशियाई खेल 2023 में राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल थे? 20, 23, 32, 28। तो 19वें एशियाई खेल 2023 में राजस्थान के कितने खिलाड़ी शामिल थे? 23। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सुंदरशन गुर्जर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया पैरा गेम्स 2023 में सुंदरशन गुर्जर ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्मकार कौन है? संतोष कुमार, अवनी चतुर्वेदी, अंजलि शर्मा, सुरुचि शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राजस्थानी गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्मकार है सुरुचि शर्मा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिला प्रशासन ने मिशन आकाश अभियान शुरू किया है? बालोतरा, ब्यावर, दूदू, कोटा। तो मिशन आकाश अभियान है ये दूदू ने शुरू किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित बैणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़। तो डूंगरपुर स्थित बैणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है वो 100 करोड़ की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम तथा संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा? जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा सिलवा मूलवास बीकानेर में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? उदयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा। तो 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान कहाँ स्थापित करना प्रस्तावित है? बीकानेर, अलवर, जयपुर, कोटा। तो देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान कहाँ स्थापित करने की है? जयपुर शहर में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के धर्मवीर ने पदक जीता है रजत पदक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एनएक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? बाड़मेर, अलवर, गंगानगर, कोटा। तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एनकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना बटाना गांव अलवर में की जाएगी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुक्त घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को कितने प्रतिशत अंक लाने पर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को लाभ मिलेगा? 25%, 30%, 50%, 20%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट जाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेनों को रखरखाव हेतु कोच मेंटेनेंस डिपो किस जिले में बनाए जाएंगे? जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा। तो जोधपुर की भगत की कोठी स्टेशन में बनाए जाएंगे कोच मेंटेनेंस डिपो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023 में शामिल नहीं है? फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो इनमें से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023 में शामिल नहीं था, वो आपका है बास्केटबॉल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का जो शुभारंभ है वो आपके जयपुर शहर से किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया में आयोजित हुई इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में देवराज सिंह शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो देवराज सिंह शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का लोकार्पण कहाँ किया गया? जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा। तो बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का जो लोकार्पण है वो आपके जयपुर के गोविंदपुरा में किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के नितेक जांगिड़ ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं।
तो नीतेक जांगिड़ ने स्वर्ण पदक भारोत्तोलन में जीता है। ए आपका, सॉरी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में राकेश भैरा ने किस कैटेगरी में 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है? SH48, SH38, SH32, SH46। तो एशियाई पैरा गेम्स 2023 में राकेश भैरा ने 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक SH46 कैटेगरी में जीता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की करंट अफेयर। डेली आपको 4:45 बजे शाम को इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर देखने को मिलेगी, और मॉर्निंग में 10:30 बजे 2023 में RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान GK के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपडेट दे दी जाएगी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।